नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक डॉट हिंदी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने फ़ोन का बैटरी स्टाइल कैसे चेंज कर सकते हो। और जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, मेरे फ़ोन का बैटरी स्टाइल जो है पहले नॉर्मल था, बट अब जो है यहाँ पे आप देख पाएंगे मेरा बैटरी स्टाइल जो है राउंडिंग स्टाइल में है। उसके बावजूद यहाँ पे जो परसेंटेज है बैटरी का, वो मैंने इस राउंड आइकन के इन साइड में कर दिया। तो इसमें जो है कि मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे जो है यहाँ पर ये मैंने किया और इसका प्रोसेस क्या क्या था। वैसे अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे भी पता चले यार कि आपको वीडियो पसंद आया। और अगर जो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटा बटन दबा दो यार, ताकि ऐसी वीडियोस और भी आप मिस ना कर पाओ। तो सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में, मैं सेटिंग में यहाँ पर जा रहा हूँ। और सेटिंग में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर डॉट एक्स्ट्रा है, तो डॉट एक्स्ट्रा में जाने के बाद यहाँ पर स्टेटस बार का एक सेक्शन है, तो वहाँ पे जाने के बाद ये बैटरी आइकन स्टाइल, तो यहाँ पर देख सकते हैं और भी कस्टमाइजेशन है स्टेटस बार का, लेकिन मैं बस यहाँ पे आपको बैटरी के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे उस पर जब मैंने बैटरी स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे पोर्ट्रेट है और सर्किल है और डॉटेड सर्किल है। जैसा आपके अभी आप देख सकते हैं मेरा जो है बैटरी स्टाइल पोर्ट्रेट मोड में आ चुका है, नॉर्मल जैसा था मेरा। यहाँ पे डॉटेड सर्किल मैंने कर दिया, तो यहाँ पर देखते हैं अब जो है एक बिंदी बिंदी जैसा डॉट डॉट स्टाइल में वो राउंडिंग स्टाइल का जो है बैटरी स्टाइल बन चुका है। तो ऐसे में आपको बहुत टाइप का ये बैटरी कस्टमाइजेशन मिल जाता है। और यहाँ पे परसेंटेज यहाँ पे आपको शो करने का ऑप्शन मिलता है, तो परसेंटेज को इनसाइड या आउटसाइड में आप रख सकते हो इस तरह से कस्टमाइजेशन करके। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर यह ट्रिक है। इसके बारे में आपको बता दूं, अगर आप अपने फ़ोन में करना चाहते हैं सेम अपना ये बैटरी कस्टमाइजेशन चाहते हैं और नेटवर्क कस्टमाइजेशन भी चाहते हैं, तो आपको जो है ना एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अपने फ़ोन में एक कस्टम रोम को इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी डॉट ओएस के कस्टम रोम पर रन कर रहा हूँ, और मुझे जो है डॉट ओएस में ये सब जो है बहुत ज़्यादा फीचर मिला हुआ है कि मैं कस्टमाइज़ कर पा रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा स्पेशली कि कैसे जो है अपने फ़ोन में डॉट ओएस को इंस्टॉल करते हैं, तो वीडियो को चेक कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर कर दें सभी के साथ, ताकि वो भी जो अपने फ़ोन की कस्टमाइजेशन कर पाए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटा बटन दबा